हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डियर एसटी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स पहले देखेंगे, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन, किनको हम कहते हैं। पहले हम देखेंगे, एक इक्वेशन लेंगे 6x + 7 = 18। इस तरीके से हमने लिया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम देखेंगे कोफिशिएंट किसको हम कहते हैं। ये जो है, ये यहाँ पर इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट, यानी जो वेरिएबल के आगे होती है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये जो है, ये कोफिशिएंट है। उसके बाद जो ये वाला होता है, यानी ये अल्फाबेटिक, यानी एक्स होगा, आर होगा, ए होगा, पी होगा, कुछ भी ये हो सकता है अल्फाबेटिक में। तो ये जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल। उसके बाद जो इसके बाद वाली टर्म होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं, जिसको वेरिएबल साथ नहीं होता है, इसको हम कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर, इसके बाद जब भी आप इसको देखोगे, इस साइन को, किसी यानी कोई टर्म होंगी तो उसमें आप साइन देखोगे, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगी, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसके यहाँ पर अगर आपको इक्वल साइन आपको मिलेंगी तो आप कहोगे वो जो है वो इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। तो ये जो है, ये इक्वेशन, इसको हम कहते हैं इक्वेशन यानी साइन। तो ये यहाँ पर, यानी ये किसके बराबर है, ये साइड, यानी ये किसके बराबर है। इसी तरीके से वहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हो, एक्स का वैल्यू निकाल के आप देखोगे क्या ये इसके बराबर है कि नहीं, वेरिफिकेशन के। अब यहाँ पर लास्ट में जो हमारा टॉपिक है यानी आज का, तो लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन हम उसको कहते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर पावर होगा 1, जिसके वो वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होगा उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इसी तरीके से अगर पावर 2 होगा तो वहाँ पर हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरीके से 3 होगा तो कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पर जो है इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये टोटल में 12 पार्ट्स हैं, तो 1 by 1 करके हम इसी वीडियो में ये ख़त्म सारे करेंगे। तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पर है पहला पार्ट, x - 2 = 7। तो यहाँ पर किस तरीके से x - 2 = 7, यहाँ पर हम ट्रांसपोजिंग मेथड करेंगे। ट्रांसपोजिंग मेथड हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि आप शिफ्ट करिए इस नंबर को, यानी अगर आपको कोई कांस्टेंट टर्म है आप उसको शिफ्ट करिए उस साइड, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर साइन इसकी चेंज हो जाएंगी। यानी अगर ये नेगेटिव यहाँ पर है, -2 है यहाँ पर, ये यहाँ पर जाके प्लस बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सो x = 7, यहाँ पर ये उस साइड जाएंगे, शिफ्ट जाएंगे, तो ये पॉजिटिव साइन आएंगे इसके आगे और ये 2, तो x का वैल्यू हमें 9 निकला। ये पहले का सॉल्यूशन है। दूसरे में करेंगे, दूसरा पार्ट जो है इसका, तो यहाँ पर जो है y + 3 = 10। तो यहाँ पर y = ये जो है ये साइड शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये नेगेटिव बनेगा। सो यहाँ पर आएगा इस तरीके से 10 - 3, तो y = 7, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये दो पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो 6 = z + 2, यहाँ पर क्या करेंगे, 6 = z + 2, 6 इस 2 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा -2 = z। तो यहाँ पर जो है हमें z का वैल्यू निकलेगा 4। नेक्स्ट वाला, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड, तो यहाँ पर सिर्फ x बचा, तो यहाँ पर 17/7, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव में है तो यहाँ पर हो जाएगा ये नेगेटिव, सो 3/7 x = 2। के बाद यहाँ पर 7 नीचे भी है, यहाँ पर भी 7 नीचे हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर, यानी एक ही डिनोमिनेटर लिखना है ऊपर, 17 - 3/7 इस तरीके से। उसके बाद x = 2, इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 14/7 ये हमें निकला। अगर कैंसिलेशन करोगे तो वहाँ से हमें आएगा 2। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला, तो यहाँ पर जो है 6x = 12, इसको हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6x = 12। जब भी हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, जब भी इस साइड मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर होगा तो वहाँ पर जब हम इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है x = 12/6 इस तरीके से, तो यहाँ पर आएगा 6 1 r 6 2 r 12, तो यहाँ पर 2 हमें आंसर आया। नेक्स्ट जो है, यहाँ पर जब भी आपको डिवाइड में होगा इस साइड, तो जब आप शिफ्ट करोगे दूसरे साइड को, ट्रांसपोज करोगे दूसरे साइड को इस नंबर को, तो वहाँ पर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर 3/5
इक्वल इंटू 10, जब हम इस साइड इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा टी इक्वल इंटू 10 इंटू 5, तो हमें आएगा टी इक्वल इंटू 50। ये हमारा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे सेवन्थ वाला है 2x बाई 3 इक्वल इंटू 18, 2x बाई 3। तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, सो 2x इक्वल इंटू 18, ये क्या हो जाएंगे यहाँ मल्टीपल, सो 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पर x है तो ये जो है सिर्फ x लिखेंगे, इसको क्या यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पर वो डिवीजन में चला जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कैंसिलेशन करेंगे 2 तो ये 29r, यहाँ पर हमें निकला 9 इंटू 3, वो क्या आता है हमें 27। नेक्स्ट जो है ये वाला देखेंगे, यहाँ पर है 1.6 इक्वल टू वाई, यहाँ पर 1.5। तो ये जो है यहाँ पर इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पर आएगा हमें y। तो उसके बाद जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे वहाँ पर आएगा 2.40 इक्वल टू वाई, या और हम ये भी लिख सकते हैं y इक्वल टू 2.4। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट 7x माइनस 9 इक्वल टू 16, तो इसको हम सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पर 7x ऐसे रखेंगे, इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा यहाँ पर। उसके बाद x इक्वल टू 16 प्लस 9, ये हो गया डिवाइड बाई 7, सो x इक्वल टू कितना हो गया ये 25/7। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 14y माइनस 8 इक्वल टू 13, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। तो यहाँ पर जो है 14y इक्वल टू, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे ये प्लस में चला जाएगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू 13 प्लस 8 डिवाइड बाई 14। तो यहाँ पर जो है इसको प्लस करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमें यहाँ 21 डिवाइड बाई 14। सो 7 3R आता है, 7 2R, सो आंसर आया हमें 3/2। नेक्स्ट देखेंगे 17 + 6P इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 17 + 6P इक्वल टू 9। तो यहाँ पर जो है इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर 6P खाली बचा, ये जो है ये पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव में चला जाएगा 17। उसके बाद पी है, पी इक्वल टू, तो यहाँ पर आएगा 9 - 17 डिवाइड बाई 6। उसके बाद यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस में ही, यहाँ पर 8/6 आएगा। कैंसिलेशन करेंगे 2 3R 2 4R, तो यहाँ पर हमें आया -4/3। ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। ट्वेल्थ का करेंगे, यहाँ पर जो है x by 3 प्लस 1 इक्वल टू 7/15। इसको क्या करेंगे, इस 1 को इस साइड शिफ्ट करेंगे, सो x by 3 इक्वल टू 7/15 माइनस 1। उसके बाद x by 3 इक्वल टू, यहाँ पर हुआ 7 - 15, जब इसको मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है तो यहाँ पर आएगा 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने यहाँ पर। तो उसके बाद यहाँ पर फर्दर करेंगे इसको, यहाँ पर आएगा हमें x खाली और वहाँ पर वो 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, 3 1R आता है 3 3 5R 15, सो x इक्वल टू यहाँ पर कितना रह गया हमें 7 8, नीचे 5। तो ये जो है ये हमारा सॉल्यूशन है -8/5। ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।